हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? जी मैं भी बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड में आया हूँ। उत्तराखंड की वादियों के नज़ारे लेने के लिए आप पीछे देख सकते हैं, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे आपको दोस्तों। ये देखिए, ये मेरा भाई है, ये दूसरा भाई। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मनसब व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं और ये मेरे भाई लोग जा रहे हैं लिंगोड़े तोड़ने के लिए। ये उत्तराखंड की एक बहुत ही फेमस सब्जी है ये उत्तराखंड की दोस्तों। ये नदियों में होती है, तो हमारे वहाँ नदी हमारे वहाँ रोल कहते हैं, तो ये वहाँ होती है, वहाँ के लोग नदी भी कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार सब्जी है। अब भाई के साथ जा रहे हैं, तो दोस्तों जाने लगे हैं। ये मेरी दादी थी, अब वो गुजर चुके हैं, दूसरी मतलब ताई की दादी। तो ये उनका गऊ शाला होता था, मतलब हमारे गांव में छन्नी कहते हैं, ये हमारा है। तो आजकल तो गाय भैंस है नहीं, इसलिए बंद पड़ा है। पहले होते थे तो मस्त गाय भैंस बांधी होती थी। तो अब हम जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जाने लगे हैं, देखिए हमारा ये मौसमी का पेड़ है, और ये हमारे यहाँ पे ये माल्टे का किन्नू का कहते हैं जैसे। दोस्तों उत्तराखंड में सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। ये मेरी भाभी हैं, उनका भैंस है, ये हमारी बूढ़ी मतलब ताई जी हैं दूसरे घर की। तो ये उनका वो है लिम्बू, हमारे वहाँ बड़े नींबू होते हैं, तो इससे ना दही के साथ भी खाते हैं। बस आ रहे हैं, ये भाभी ने भैंस पाली है, बहुत ख़तरनाक है, मारने को आती है। तो दोस्तों आवाज़ निकल रहे हैं, जंगली नहीं है, उत्तराखंडी भैंस मारने को आ रही है। तो बस जा रहे हैं, हमें भी दिखा दे। ले ये मेरा बड़ा भाई है, ये चल भाई, मैं इसका बड़ा भाई। चल भाई, ये टोपी वाला है ना, चल चल। ये कद्दू, ये बस केले, बनाते रहता है इसका काम, वीडियो बनाने का बस। हाँ थैंक यू। रास्ता बहुत तगड़ा है। हेलो, पैर में देखो जरा अपने। ये देखिए, तू ये गुजार देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ घर है, तो वो घर नहीं है, वो मकान है। अरे मिल गया, खंदवार कर देना। अच्छा देखिए, दोस्तों ये अब सड़क का रास्ता, ये दूसरे रास्ते जा रहे हैं, भाई लेके जा रहा है, पता नहीं कौन से रास्ते। तो मुझे लगा हमने उस साइड आगे को जाना होगा, लेकिन ये इस रास्ते से लेकर आ रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको आगे, हम लिंगोड़े। हाय हाय, थकावट हो रही है यार। हाय भगवान, हाय, चल चल चल। दोस्तों आप व्यू चेक कीजिए, अब आप ये देखिए, ये देखिए चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे और कुछ नहीं। अबे आगे निकल गए दोस्तों, ये देखिए। जब मैं मतलब तीसरी चौथी में होता था, आज मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, ये तब का पेड़ है, वैसा का वैसा ही हरा बेटर। दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड में ना जैसे नेचुरल वाटर भी मिलता है, तो वो इन पेड़ों से मिलता है हमें। ये है
बांज का पेड़ है। तो जैसे कभी बरसात होती है तो इसकी जड़ें हैं वो खुद में पानी स्टोर कर लेती हैं। ये देखिए यहाँ ये नेचुरल वाटर आ रहा है, पता नहीं कहाँ से ये ऊपर से आ रहा है। देखिए ये देखिए, तो क्या होता है कि ये अपनी जड़ों में वाटर स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जैसे कभी बारिश होती है या दोस्तों कभी गर्मी ज़्यादा होती है तो ये मतलब इनमें से पानी निकलने लगता है, और वो भी दोस्तों 1 लीटर 2 लीटर नहीं, ये मतलब कितने ही महीने तक इनका पानी चल जाता है। ये देखिए भाई लोग आगे निकल गए। ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर। मेरा तो दोस्तों मन नहीं करता यहाँ से जाने का, हम पंजाब लुधियाना में रहते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब कभी साल में 1-2 बार हम उत्तराखंड आते हैं तो उसके बाद वापस जाने का मन नहीं करता है। या आगे सुन सकते हैं पानी की आवाज़, आगे पहाड़ों से पानी निकल कर आता है तो ये ऐसे नीचे को जाता है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे पानी, आप आवाज़ सुनिए देखिए कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। देखिए दोस्तों अब हम और पास पहुंच गए हैं इसके। ये देखिए अबे कहाँ चले गए। वाह ये देखो दोस्तों छोटे छोटे तालाब बने हैं मस्त नहाने के लिए, क्या झरना बह रहा है देखिए। ये देखिए बिल्कुल साफ पानी है दोस्तों। अब भाई लोग ऊपर चले गए तो मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। ये यहाँ पे आगे इन पत्थरों के बीच में यहाँ पौधों यहाँ होते हैं लिंगोड़े, अभी दिखाएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों मैं आप चलता हूँ आगे, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यार मुझे लगा कि ये भाई लोग यहाँ ऊपर यहाँ चले गए हैं। ये देखिए कितना ओए गिरने वाला था। ये देखिए दोस्तों लेकिन वो यहाँ नहीं, वहाँ आगे आगे दोस्तों एक दूसरा रास्ता है वहाँ को गए हैं। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए ये देखिए यार नहाने के लिए अच्छा है यहाँ पे, यहाँ नीचे चल चल आ गया आ गया दोस्त, इस रास्ते से आगे चले गए। आगे जा रहे हैं अब इनके साथ। ओ ये ये देखिए दोस्तों नीचे की गहराई देखिए। तो दोस्तों जो है आपको मैंने अभी ये पानी का ये दिखाया ना, आप रॉल इसको छिड़ा रॉल कहते हैं। अब जो भाई आगे लेके जा रहा है वो है ठुल रॉल। यहाँ भी लिंगोड़े होते हैं लेकिन यहाँ जंगली जानवर ज़्यादा हैं। दोस्तों आज से 2-3 साल पहले जब भाई बहन हम यहाँ आते थे तो यहाँ पे गायों को यहाँ को छोड़ के यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए ले आते थे और यहाँ पे बैठ के खाते थे। तो कहते हैं ना समय रुकता नहीं है, समय आगे ही आगे चलता रहता है, वो कभी किसी के लिए रुक नहीं सकता। तब छोटे होते थे तो बहुत मज़े करते थे, आपस में लड़ते थे, साथ में गायें चराते थे, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए, जिम्मेवारियां पड़ी, जब टाइम नहीं मिला आने का, तब मिस करते हैं ये चीज़ें कि कैसे हम अपने भाई बहनों के साथ मस्ती किया करते थे। ये देखिए दोस्तों बहुत ग्रीनरी आजकल इस अगस्त नवंबर सितंबर के महीने में ना बारिश यहाँ उत्तराखंड में बहुत होती है, मानसून लगा होता है ना, तो कब मौसम बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। और
आजकल गायों के लिए भी देखिए भरपूर घास हो रखी है। ये देखिए मतलब गाय मस्त, आप इनको गायों को छोड़ दीजिए मस्त, वो यहाँ पर चर सकती है, मतलब उन्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह ग्रीनरी है। भाई लोग आगे चल गए, ये देखिए वो आगे जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ। नीचे को ढलान है, पैर फिसला तो अच्छे से व्लॉग बन जाएगा। दोस्तों ये देखिए चीड़ का पेड़ है, ये बहुत ही उपयोगी होते हैं, जैसे सर्दियों में आग जलाने के काम आते हैं इसके पत्ते, और बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं इससे। इससे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक ना ये भाईजान आगे से गुस्सा हो रहे हैं, कहते जल्दी आ गया आ गया। हाँ हाँ, तो दोस्तों मैं आपको जैसा कि बता रहा था कि जो ये चीड़ का पेड़ है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जो इसके पत्ते होते हैं वो सर्दियों में आग का भी काम करते हैं, जैसे सर्दियों में हम लकड़ियाँ नहीं लेने जा सकते तो जो इसके पत्ते होते हैं उन्हीं को जलाते हैं, ताकि उन्हीं को वहाँ जलाते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं गौशाला में, हमारे उत्तराखंड में छन्नी कहते हैं और कुमाऊँ में छन ऐसे कुछ कहते हैं। तो गायों को भी गर्मी की ज़रूरत होती है तो उनका भी ख्याल रखा जाता है, तब जलाते हैं इसको। दोस्तों इसमें एक इसकी खासियत है कि इसकी ना जो नीचे की लकड़ी होती है वो बहुत ही लाभदायक होती है, वो मतलब आग को जल्दी पकड़ लेती है, जैसे और लकड़ियाँ चाहे इतनी मोटी लकड़ी ले लीजिए आप, वो दोस्तों उसको आप जलाने जाएंगे तो आपको कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे अगर आप माचिस से जलाएंगे तो। जो इसकी चीड़ के पेड़ की जो लकड़ियाँ होती है ना, उनमें दोस्तों मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई होती हैं या ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जिनसे उसको आग जल्दी पकड़ लेती है। इससे क्या होता है, इससे कि आग जलाने में आसानी मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होते हैं वो, आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला, ये तो इसके जो नीचे होती है ना, इससे हमें गोंद भी मिलती है और इसकी जो नीचे की लकड़ी होती है वो फटाफट जल भी जाती है। तो जब गांव में आग जलाते हैं तो पहले उन छोटी छोटी लकड़ियों को डालते हैं ताकि लपटे जल्दी पकड़े, और फिर हम उसके ऊपर से और लकड़ियां डाल सकें ताकि आग जल जाए। ये देखिए दोस्तों ऊपर की साइड को कैसे कोहरा लगने लग गया है, नीचे की साइड नहीं लग रहा, अभी ऊपर की साइड लग रहा है, एक से एक ग्रीनरी पेड़ है यहाँ पे। तो यार दोस्तों भाई लोग तो चले गए नीचे, हेलो हेलो कर दे लिंगोड़े तोड़ने लग गए, मैं भी चाह रहा हूँ, अबे आ रहा हूँ यार, रुक 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 रुक, अबे 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 कहाँ से गया ये कंडेली भी है क्या, पहुँच गया। अब दोस्तों ये देखिए इन्हीं पौधों के बीच में लगते हैं, इन्हीं पौधों के बीच में लगते हैं लिंगोड़े, अब मैं दिखाता हूँ आपको। अरे शहरी आदमी है, मैं भी अपने जरा पौधे ऊपर कर ले, पौधे पजामा ऊपर कर लेता हूँ, फिर हम ढूंढेंगे लिंगोड़े। तो दोस्तों देखिए मुझे पहला लिंगोड़ा मिल गया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो आपको दिखाया इसे कहते हैं लिंगोड़ा, अभी और भी तोड़ने लगे हम, दिखाते हैं आपको जल्दी से। तो दोस्तों ये देखिए अपनी मेहनत से 3 लिंगोड़े तोड़ लिए मैंने, और भी ढूंढ रहा हूँ, ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है जंगलों के बीच में, कोई शहरी बंदा हैगा तो डर जाएगा, कहेगा मैं नहीं जा रहा भैया वो तेरी रास्ता, ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है यार, एक दूसरी चप्पलें पहन के आया हूँ तो। ये देखिए इनमें तो और भी ज़्यादा डर लगता है चलने में,
कहाँ है ढूंढो ढूंढो लिंगोड़े। दोस्तों ये लिंगोड़े ऐसे ही पौधों के अंदर छुपे होते हैं ये, और ढूंढेंगे तो हम आपको भी दिखाएंगे। भाई लोग ट्रेंड हैं, वो आगे निकल चुके हैं। ये देखिए भाई लोग नीचे पहुंच गए, आगे नदी है जंगल के बीच में। मेरे तो बैंड बच चुकी है, चप्पल काम नहीं कर रही है, तीन लिंगोड़े हाथ में लेके घूम रहा हूँ। दोस्तों यार आपको बाद में दिखाऊंगा, रास्ता बहुत भयानक है, यहाँ से मैं फ़ोन पकड़ूंगा तो गिर जाऊंगा। ये देखिए दोस्तों मेहनत जा रही है, ये देखिए इन्हें कहते हैं लिंगोड़े। ये है हमारे उत्तराखंड के लिंगोड़े, हमारे भाई की वजह से। अब देखना ओए, ये भाई साहब तोड़ रहे हैं लिंगोड़े। भाई मौज कर दी लिंगोड़े तोड़ के। हाँ ये देख लिए दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड की सब्जी के नज़ारे लेने तो इन जंगलों में घुसना पड़ेगा, तब जाके आपको लिंगोड़े मिलेंगे। सांप भी होते हैं इधर, सांप भी होते हैं भाई साहब। भैया और लिंगोड़े मिल गए हैं भाई और को। ये देखिए खोटोबाजी हो रही है, रुको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे उगते हैं, कैसे उगते हैं लिंगोड़े पौधों में, मैं आपको दिखाता हूँ। एक भाई लोग हैं, दिखा दिखा कहाँ पे लगे हैं। अरे ये देख हटिए गुल भाई, रो रास्ता खतरनाक है। ये देखिए ये होते हैं लिंगोड़े, ऐसे उगते हैं दोस्तों। ये देखिए कैसे जाए, एक और एक ये हाँ, और लिंगोड़े तोड़ लिए हमने। ये देखिए भाई लोग आगे निकल गए। चलो तो दोस्तों लिंगोड़े पार करते करते, लिंगोड़े तोड़ते तोड़ते नदी पार कर रहे हैं। ये देखिए लिंगोड़े, ये दोस्तों ठुल रोल की नदी है। ये देखिए कहाँ से पानी आ रहा है, भाई लोग आगे निकल चुके हैं। हम यहाँ पे लिंगोड़े तोड़ते तोड़ते जा रहे हैं, आगे भी लिंगोड़े हमें मिलेंगे काफ़ी। अभी तो अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है भैया, अभी तो हम आपको और दिखाएंगे। ये देखिए आप नज़ारे लिए तो देखो, जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड होती है, देखिए कैसे लैंडस्लाइड हुई है। ये देखना इन्हें, चलो दोस्तों लिंगोड़े ढूंढते हो, एक और तोड़ लिया। ये देखो कैसे छुपे होते हैं, देखो ये रे। एक ये देखिए और नहीं है अभी यहाँ पे, आगे चलते हैं। लाठी चलिए, हाँ ये देखो दोस्तों, ये भाई लोगों को ये दिखे नहीं लिंगोड़े, लेकिन ये मुझे दिखे हैं। ये देखो पहला ये रहा, ये देखिए एक ये रहा तोड़ते हैं इन्हें। एक ये यहाँ भी फंसा हुआ है भाई एक, ये देखिए कहाँ कहाँ उग जाते हैं कुछ पता ही नहीं लगता। ये देखिए ये देखिए चलिए आगे चलते हैं। अबे कहाँ से आना है, नदियों के किनारों पे एक ये तोड़ दिया। अंधेरा बहुत हो गया, अब हम बच्चों पे रहम नहीं करेंगे, अब हम तोड़ देंगे सबको। एक ही जगह पर इतने लिंगोड़े लगे हुए, आगे चलते हैं दोस्तों। रास्ता बहुत ही ज़्यादा भयानक है, खूबसूरत भी है,
आगे चलते हैं और लिंगोड़े खोजते हैं। तो दोस्तों तोड़ लिए हमने लिंगोड़े, ये पूरा लिफाफा भर के, पीछे पापा लोग आए हुए थे साथ में आ रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर को, आप देख सकते हैं कोहरा कितना खतरनाक कोहरा लगा हुआ है, ये देखिए। ये लिंगोड़े तोड़ के ला रहे हैं हम, ये देखिए बाबा। चल घर पे दिखा दिए, मस्त कोहरा लगा हुआ है खतरनाक। सैर करते करते अब हम लोग घर जा रहे हैं। सभी हैं हमारे, फूफा जी हैं, ताऊ जी हैं, पापा हैं, भाई लोग हैं, बस अब हम घर को जा रहे हैं। हाँ, किंगोड़ी खाल के रोड पर हम सैर कर रहे हैं, जबरदस्त कोहरे में मजा आ रहा है। हाँ, उत्तराखंड की जो लिंगोड़ी की सब्जी है, हाँ जी, ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए, शुगर के लिए बहुत लाभदायक है। आप कुछ कहना चाहेंगे ताऊ जी? ये बहुत ही अच्छी सब्जी होती है, यह प्राकृतिक है। हाँ, कोई मिलावट नहीं है। बरसात के टाइम पर ही होते हैं ये। पापा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई क्या बात है, ये हमारे उत्तराखंड की सब्जी है, अनमोल रत्न, अरे उत्तराखंड प्राकृतिक सब्जी है, कुदरती ना ही जहरीली, बहुत अच्छी होती है खाने में, ये सिर्फ यही मिलती है। हाँ, बारिश के टाइम में, ये आप पीछे मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा वेदर हुआ हुआ है, ये देखिए, जैसे आप भिंडी बनाते हैं वैसे ही बनती है इसकी सब्जी भी। प्याज डालो, हाँ, थोड़ा घी तेल बनाओ, करारा बना ये खाओ, ज्यादा घी पड़ती है इसमें, ज्यादा पड़ेगा, ये देखिए। और इसके खाने से आपका जो है ना शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर सही रहेगा। दिखाइए, वाह, ये सभी हमारे पापा ताऊ लोग बहुत टाइम बाद ये लिंगोड़े देख रहे हैं। बहुत अच्छे होते हैं लिंगोड़े, बहुत सब्जी खाई है, एक हफ्ते से खा रहे हैं। हाँ, मजा आ रहा है। किंगोड़ी खाल के रोड पर हम सैर कर रहे हैं, जबरदस्त कोहरे में मजा आ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद।